नमस्कार। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जहां नशा है तिरंगे की आन का, मातृभूमि की शान का और हिंदुस्तान के सम्मान का। फहरा देंगे यह तिरंगा हर जगह, फहरा देंगे यह तिरंगा हर जगह, और गाएंगे गाथा उन वीरों की जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान को न्योछावर करने में जरा भी ना सोचा। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक शौर्य वीर पीर अली खान की कहानी MPS की जुबानी। पीर अली खान एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म वर्ष 1820 में आजमगंज के मोहम्मदपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पटना में ली थी। वहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी भाषा में महारत हासिल की। पीर अली खान का मकसद था कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया जाए। उनकी सोच थी कि गुलामी भरी जिंदगी से कहीं बेहतर मौत है। उन्होंने हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में क्रांति भावना पैदा की और एक नारा भी बुलंद किया था, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। पीर अली खान और उनके दर्जनों साथियों को पुलिस ने बगावत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें यातनाएं दी गईं। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने उनसे कहा कि अगर वे देश भर के अपने क्रांतिकारी साथियों के नाम बता दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। पीर अली ने उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। जवाब में उन्होंने कहा था, जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब जान बचाना जरूरी होता है, कई ऐसे मौके भी आते हैं जब जान देना जरूरी हो जाता है, और यह वक्त जान देने का ही है। अंग्रेजी हुकूमत के दिखावे के ट्रायल के बाद 7 जुलाई 1857 को पीर अली खान को उनके कई साथियों के साथ बीच सड़क पर फांसी पर लटका दिया। फांसी के फंदे पर झूलने से पहले पीर अली के आखिरी शब्द थे, तुम हमें फांसी पर लटका सकते हो, लेकिन हमारे आदर्श की हत्या नहीं कर सकते। मैं मरूंगा तो मेरे खून से लाखों बहादुर पैदा हो जाएंगे और तुम्हारे जुल्म का खात्मा कर देंगे। बिहार की राजधानी पटना में शहीद पीर अली खान के नाम पर एक छोटा सा पार्क है और शहर से हवाई अड्डे को जोड़ने वाली एक सड़क भी है। पिछले 8 सालों से बिहार सरकार उनकी शहादत की याद में 7 जुलाई का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाती है। इसके बावजूद देश और बिहार तो क्या, पटना के भी बहुत कम लोगों को पता है कि पीर अली खान आखिर में कौन थे और उनकी शहादत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। शहीदों में पीर अली खान एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास ने लगभग विस्मृत ही कर दिया है। अब देश को आजादी दिलवाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानकर पीर अली खान का नाम हमेशा जाना जाएगा।